हेलो फ्रेंड्स, मुमताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडिया की फेमस लाल चटनी, जो कि डोसा और इडली के साथ खाई जाती है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए कोई भी पैन या कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1 टेबल स्पून उड़द की दाल, 5 से 6 लहसुन की कलियां छिली हुई, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, इमली का 1 छोटा सा टुकड़ा और 2 बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से कटा हुआ टमाटर। साथ ही इसमें चटनी में कलर लाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से तेल में मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पर ढक देंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसे इस तरह से ढक कर पका लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिक्सी जार में डालकर बिना पानी डाले हुए इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है, तो इसे आप 5 से 6 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस चटनी को और भी टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल, सरसों और 1 सूखी लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से चटका लेंगे और बस तड़का लगा देंगे। अगर आपको खट्टा और तीखा कम पसंद है तो इमली और मिर्च की मात्रा कम कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी लाल चटनी बनकर तैयार है। इसे आप इडली और डोसे के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।